फाउल्स गेम्स होता है ये गुस्सा दिलाने के लिए, पर आपको नहीं होना है, ये गुस्सा बच्चे लोग करते हैं यार। गुस्सा होकर के होगा क्या, आप मुझे ही देख लो, मैं 100 बार गेम में मर चुका हूँ पर फिर भी गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, लगातार बस मरे जा रहा हूँ पर फिर भी गुस्सा नहीं हूँ मैं थोड़ा भी। सेम है, जेलीफिश वाला बिना पानी को उड़ रहा है, बस मैं दूसरे ब्लॉक तक नहीं पहुँच पा रहा। लाइफ इज गुड यार, लाइफ इज गुड। कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई एम नॉट हियर। ओके सॉरी यार, मैं जिंदगी में गेम कभी नहीं खेलने वाला। हमारे स्ट्रीमर्स जितने भी चिल्लो उन को भी गेम्स गुस्सा दिला ही देते हैं, कभी उनको हरामी टीममेट्स, नहीं तो बार बार गेम से बाहर फेंक के। और आज नहीं, इसी वक्त हम लोग देखने वाले हमारे स्ट्रीमर्स के ऐसे कुछ मोमेंट्स जिसमें हमारे स्ट्रीमर्स गुस्सा होके गेम से एग्जिट मार लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रेज क्विट मोमेंट भी। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को देखते रहे अंत तक। तो विदाउट फर्दर डू करते हैं हमारा वीडियो शुरू हमारे पहले नंबर स्ट्रीमर से, जो है लाइव इंसान। लाइव इंसान वो स्ट्रीमर्स में से है जो बहुत कम ही गुस्सा होते हैं, अब इससे पहले उनको गुस्सा होते हुए ज्यादा देखे भी नहीं होंगे, बट गेम उनको मजबूर कर ही देता है। आपको तो पता ही होगा अमंग अस में से हरनामी दोस्त आपके रहते हैं जो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बस वोट आउट कर लेते हैं, और ऐसे कुछ बार बार होता है लाइव इंसान के साथ, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बहुत गंदा वाला रेज क्विट करते हैं। भाई ये लोग लिटरल गवार हैं, मतलब देखो ऐसा है, सुनो अगर स्ट्रीम स्लाइप करना होता है या फिर बिना लॉजिक के वोट करना होता है तो ठीक है भाई, मैं नहीं खेलूंगा आज का तुम लोगों के साथ। लिटरली तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है, 5 लोग स्टैक करके खड़े हुए हैं एंड तुम बिना बात के मुझे वोट आउट कर रहे हो। नहीं चल आले इडियट्स हैं, मतलब स्ट्रीम स्लाइप कर लो या कुछ भी कर लो। गवार साले, मतलब लिटरली या तो कोई एक बंदा बैठ के स्ट्रीम स्नाइप कर रहा होगा, हाँ ये इंपोस्टर बन गए तो इसको उड़ा लेते हैं, और या फिर दूसरा बंदा कोई बैठ के हाँ भाई निश्चय को बिना बात के वोट आउट कर लेता है। 6 लोग स्टैक करके खड़े हुए हैं एंड सारे वहीं पे भाई, एक एक बंदा एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे बिना बात के उड़ाना है इनको। भाई एक बात बता यार पल्लव, मेरे मतलब इंपोस्टर बनने का तो वो है ही नहीं ना, क्योंकि क्या होगा अगर मैं इंपोस्टर नहीं हूँ तो ठीक है, अगर मैं इंपोस्टर बनता हूँ तो कोई ना कोई बैठ के या तो स्ट्रीम स्नाइप कर रहा होगा या फिर कोई बंदा बैठ के बिना बात के निश्चय को उड़ा लो। वहां पे 6 बंदे स्टैक करके खड़े हैं, चुप रहे मेरी बात सुन, 6 बंदे स्टैक करके खड़े हुए हैं एंड तुम बिना बात के मेरे को वोट आउट कर रहे हो। लास्ट गेम में इंपोस्टर बना तब भी, लास्ट गेम में इंपोस्टर बना तब स्ट्रीम स्नाइप करके उड़ा दिया मेरे को, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं था उसमें उड़ाने का मेरे को। ठीक है भाई मैंने मान लिया, इस गेम में तो भाई ये तो लिटरली रिवेंज वाली बात हो गई ना, तो इससे बढ़िया तो मैं ऐसे रैंडम्स के साथ खेल लूं, टेक्स्ट करके चैटिंग कर लूंगा, वो नहीं उड़ाएंगे मेरे को। मतलब मेरा इंपोस्टर बनना तो इस लाइक यूजलेस ना, मैं तो सिर्फ क्रूमेट बनने के लिए खेल रहा हूँ, क्योंकि अचानक से मेरे इंपोस्टर बनते ही तुम सारे 2 मिलियन IQ वाले हो जाते हो। GTA 5 में आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसमें उतनी फ्रीडम मिलती है कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, आप प्लेन चलाने से लेके आप शार्क मारने तक कुछ भी कर सकते हो, और इसी हिसाब से कैलिमिनाटी को भी बहुत पसंद है। और जैसे कि आपको पता है कैलिमिनाटी अपने हैकर्स को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं, जिससे कि हमें उनका समझदारी का भी पता चलता है। बट जब एक हैकर बार बार आके कैलिमिनाटी के गेम को क्रैश कर रहा होता है और आखिर में कैलिमिनाटी को वो ऐसे तक पहुंचा देता है जहां पे वो ट्रिगर्ड होने के अलावा कुछ नहीं हो सकते, और ये उनका फेवरेट गेम में से एक था, पर फिर भी वो हैकर का कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए उनको आखिर में रेज क्विट करना पड़ता है, और वो वादा करते जब तक हैकर है तब तक वो गेम में कभी कदम नहीं रखेंगे। अच्छा, फेल टू फाइंड अ कंपैटिबल, जॉइनिंग अ न्यू सेशन। सही, खत्म कर दे भाई, देख एंग से ब्रो, थैंक यू सो मच, आप GTA रोज बिगाड़ते हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमें पता चलता है हाँ दुनिया में बच्चों की कायम है, दुनिया में अभी भी ऐसे हरामी लोग हैं जिनको देख के मन करता है बस शुरू ही हो जाओ या माथा दे मारो उनके सर पे, तो जो भी मतलब थैंक यू सो मच, ये हमारा प्यार ही आपके, ये प्यार ही नहीं, ये प्यार नहीं है तो और क्या है, तुझे भी करना पड़ेगा, प्यार नहीं है तो और क्या है, तो हैकर लोग जितने भी थे हमें अगर हमारे में से हो तो ये हमारे साथ किया, मेरे साथ ये किया, थैंक यू सो मच क्रोम, और मैं इसी बात पे मैं GTA और नहीं खेल सकता हूँ, मैं इसको बंद करना चाहूंगा, मैं इस गेम को डिलीट करना चाहूंगा, बाकी जिसको जो बोलना है बोले, मैं इस गेम को दोबारा कभी टच करने वाला नहीं हूं, जब तक जो हैकर लोग हैं वो खेलना इस गेम को नहीं छोड़ते तब तक मैं ये गेम नहीं खेलने वाला हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब अपनी जाके गांड मरवा सकते हैं। सब छोड़ गए। नहीं नहीं माँ चुदाए, वो जब तक GTA खेलेंगे मैं छूने नहीं वाला इस गेम को, मैं छूने नहीं वाला, अगर वो मेरे पास आएंगे मैं, अगर वो इस देश में भी रहते हैं ना बहनचो मैं दूसरे देश भाग जाऊंगा, समझ रहा है तू, आसपास भी नहीं चाहता हूं मैं, आसपास भी नहीं चाहता हूं मैं। तभी यार देखो एक गेम की, वीडियो गेम की सबसे अच्छी बात क्या होती है, हैकिंग,
हैकिंग नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दो बाप है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो उसको पता लगाने के लिए तुम्हें हैकिंग करनी जरूरी है। हाँ, और वो हैकर लाइव है, वो हैकर लाइव नहीं, नहीं नहीं, बुरा मत मानो मेरी बातों को, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं लव यू यार, आई लव यू, दिल से लव यू यार, कसम से बहुत प्यार करता हूं मैं तुम लोगों से जो हैकिंग करते हैं। पर जब तक तुम लोग ये गेम खेल रहे हो ना, मेरे को नहीं लगता मैं इस गेम को खेल पाऊंगा, मुझे नहीं लगता भाई। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रीमर की तरफ, जो है रेगलटॉस। और रेगलटॉस का अलग ही नशा चल रहा होता है। बाकी लोग जब हैकर्स और दूसरे कारण की वजह से परेशान रहते हैं, ये भाई सब बोट के हाथों मर के अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं भाई। मतलब रेगलटॉस ट्रेनिंग रूम में जाके हजार तरीके ट्राई करते बोट्स को क्लियर करने का, मतलब बोट्स को मारने का, पर हर एक बार बहुत बेइज्जती के साथ मरते हैं। और इतना गंदा मरते हैं, इतने बार मरते हैं, लास्ट में क्विट ही कर लेते हैं गेम को। ये बहुत मजेदार सा मोमेंट है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। Out of charges. My ult's not ready. गलती हो गई। इग्नोर कर दो गाइस, जो अभी हुआ था, अभी देखो। ब्लू बॉट सेटल सब मार के एंट्री लेगा। लेफ्ट में बचता है। सोवा से करेगा रिवील। कौन किधर है, फिर लेगा हम एंट्री। ठीक है, अभी देखो। अच्छा, एस का तो पता है मेरे को, अंदर वाले का लेगा। अब उसको मारेगा सर, बेटे ओ बेटे मौज कर दी, हां मौज कर दी, वाह बेटे वाह। बहुत खराब लगा मेरे, मैं लोगों पे ब्रो क्यों ज्ञान करते हैं, इतना मेरे को समझ नहीं। आंखों के सामने कुछ होगा, फिर थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा। फॉल्स, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और आपको थोड़ा ही मजा आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है और वीडियो से आपके लिए लेके आते रहने की। और अगर आप चाहते हो हमें सपोर्ट करना, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया अमेजोन का लिंक, वहाँ से कुछ भी खरीदते वक्त हमारे लिंक को इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको 5 पैसे का नुकसान नहीं होगा और हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रीमर की तरफ, जो है स्काउट। और हमारे स्काउट का भी ऐसा हालत होता है जहाँ पे हैकर्स बार बार आके स्काउट का गेम क्रैश करके चले जा रहे होते हैं। और स्काउट भी बहुत बार ट्राई किए गेम में आने की, और जितने बार वो आते हैं उतने बार उनका गेम क्रैश था। और लास्ट में वो भी अपना पेशेंस खो दिए और गेम से रेज क्विट करके चले गए। बट ये है हमारे स्काउट। तो जाते जाते स्काउट अपने अंदाज में दो मीठी बोली बोल के गए। ले लौड़ा भाई, क्रैश क्या हुआ भाई? मैं नहीं खेल रहा गेम में, मां की चूत। क्या हो गया? क्रैश कर दिया वापस। स्मार्टली आंसर्ड, गॉट योर पॉइंट ब्रो। अरे भाई अभी भी क्रैश। अबे यार अब क्यों गेम क्रैश हो रहा है? सिर्फ तेरा वाला नहीं, निगा आया, वो आया तेरा करके क्या? सिर्फ भाई सिर्फ तेरा करके निगा, तेरी माँ की छूत। बहन के लंड कर ले कुछ बोलने के। भाई तुम कर लो यार, मैं जा रहा कुछ और खेलने। माँ की चूत निगा की, तेरी माँ का भोड़ा निगा भोड़े के कुछ कर ले बहन के लंड। कि माँ चौदह तेरा क्या रोज आके ऐसी कि तेरी में माँ चौदह रात को आके। अरे भाई बस नहीं नहीं कंट्रोल कंट्रोल माँ चौदह अलग बहन चो एक घंटे से मादर चोत रिस्टार्ट। कोई नहीं लास्ट टाइम पता है कुछ, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब मैं वापस क्रैश होगा। मैं नहीं खेल रहा माँ की चूत, बाय बाय। निगा सुनिए तो मम्मी को बोलना क्वांटम रेडी रखे, मैं आ रहा हूँ कल। अरे भाई चलो भाई मैं चला वाला हूँ वॉइस। नहीं भाई आई एम डन। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट एंड फाइनल स्ट्रीमर के पास, जो है रोनी। और रोनी को माइनक्राफ्ट से बहुत प्यार है। वो जब भी माइनक्राफ्ट खेलते हैं हर एक बिल्ड को बहुत प्यार और लगन से करते हैं, और जाहिर सी बात है ये सब करने के लिए बहुत टाइम भी लगता है। और जब उनके आंखों के सामने वो बिल्ड टूट जाए तो उनका रिएक्शन क्या रहता है आप खुद देख लीजिए। चलो नाइस, अपना ये स्टेशन में अभी थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग कर दे। ओके बाय बाय बाय। Yes.
उड़ के गया। चलो सोने जाते। देर इज नॉट लाइट। यस यू वे नॉट। कौन सा मॉन्स्टर है नियर बाय? भाई ये क्रीपर कहां से आ गया? मेरा बेड भी टूट। व्हाट भाई ये क्रीपर कहां से आया? अबे यार ये भाई कहां कहां से क्रीपर आ रहे हैं यार? ये चीजें कहां कहां से क्रीपर आ रहे हैं भाई? खेलना ही नहीं मेरे को भाई, मेरे को नहीं खेलना ही नहीं मेरे को भाई। बकवास टट्टी कहीं का, मेरे को नहीं खेलना। मैं जा रहा हूं भाई, मैं सच में रेज क्विट कर रहा हूं। हाँ फॉल्स, यहाँ पे समाप्त होता है हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनको बताइए भाई हमारे स्ट्रीमर्स रेज क्विट करते हैं। हाँ बिल्कुल, और उसके साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, 50K के बहुत करीब है। और उसके साथ कमेंट करके जरूर बताना आप माइनक्राफ्ट कभी भी खेले हो, क्या माइनक्राफ्ट की क्या सीक्रेट चीजें पता है आप? तो फिर मिलते हैं ऐसे कुछ मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू लेटर।